तो देखिए बन चुके हैं इस तरीके से नमक मिर्च के क्रिस्पी क्रिस्पी पराठे, जो कि बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसमें अजवाइन होती है, नमक और मिर्च बस, और बहुत ही सिंपल और टेस्टी पराठे होते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। मैंने धोए इतने सारे कपड़े, देखिए मतलब पूरे तार भर गए, 3-4 तार हैं इधर। मैंने ग्रिल के ऊपर भी डाल दिए, इतने सारे कपड़े हो गए थे आज, बहुत ही सारे कपड़े। तो दोस्तों अब था पूजा का तीसरा दिन, और तीसरे दिन में मैंने उसी तरीके से विधि विधान के साथ हवन पूजा करी, सामग्री वगैरह सब कुछ जलाई। और मैंने सब कुछ कर तो रही थी, लेकिन मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही थी, मुझे बहुत ठंड लगी जा रही थी और मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मैंने फटाफट से अपने भगवान जी की पूजा करी, और मैं सोच रही थी कि उसके, क्योंकि मैं उसके बाद ही मुँह झूठा करती हूँ, तो मैंने फटाफट से भगवान की पूजा करनी शुरू कर दी थी। कैसे आप लोग, नमस्ते दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे, और सबको जय माता दी, मेरी तरफ से जय माता दी। तो दोस्तों आज है तीसरा वाला नवरात्रा, तीसरे दिन का नवरात्रा, और आज के दिन एक्चुअल में मैं हो गई थी, मेरे को हो रहा है 3-4 दिन से बहुत ज्यादा बुखार। तो मेरे बेटे ने आज जिद पकड़ ली थी कि मम्मी आज बिल्कुल भी आप फास्ट नहीं रखोगे, आपको मेरी कसम है। और सच में कई बार हमारी हालत ऐसी खराब हो जाती है कि हमें बच्चों को कहना ही ठीक लगता है, क्योंकि मैं इतनी सारी गोली खा रही थी, बार बार गोली खानी पड़ रही थी मुझे, और मतलब बार बार ठंड लगती, फिर गर्मी लगती, और खांसी इतनी ज्यादा, जुकाम, नाक बंद, और बिल्कुल मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम। तो इसीलिए मेरे को फास्ट रखने, आज मैं थर्ड नंबर का फास्ट नहीं रखूंगी, क्योंकि अब मेरे को लग रहा है कि मुझे छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी दोस्तों। तो फिर मम्मी का फोन आया, मम्मी ने मुझे बोला कि तू एक काम करो, कढ़ी बना के खाओ, कढ़ी खाने से खांसी जुकाम बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, गर्म गर्म अगर हम कढ़ी खाते हैं ना तो उससे बहुत जल्दी फर्क पड़ता है। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं हम कढ़ी। तो कढ़ी के लिए देखिए मैं प्याज तो नहीं डालूंगी, सिंपल मैंने कड़ी पत्ता लिया और सबूत लाल मिर्ची लिया 2-3। तो चलिए, और ये देखिए ये थोड़ा सा मैंने पकौड़ी के लिए बेसन घोल लिया है, और ये थोड़ी सी दही थी उसको मैं पानी मिलाकर 2 चम्मच बेसन मैंने घोल के इसमें कर लिया है। तो चलिए बनाते हैं कढ़ी। तो दोस्तों देखिए मैंने तेल रख दिया है गर्म होने के लिए। अब जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा, सबसे पहले हम पकौड़ी उतार लेंगे, और उसके बाद हम कढ़ी छौंकेंगे, इसके बाद हम बनाएंगे चावल। क्योंकि मेरा तो सच में बताऊँ मुझे भूख नहीं है, मैं व्रत रख सकती थी, लेकिन बस मेरे बेटे ने जोर जबरदस्ती कही कि नहीं 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 नहीं। तो चलो बच्चों का भी कहना मानना चाहिए, और सच में स्वास्थ्य ठीक है तो सब ठीक है, मैं मैया रानी से क्षमा मांग लूंगी भाई। फटाफट से कढ़ाई गरम थी, मैंने इसमें डाला मेथी दाना, क्योंकि जो कढ़ी है उसमें मेथी दाना बहुत फ़ायदेमंद होता है, जीरा और अजवाइन, हींग पाउडर, लाल मिर्ची, साबुत लाल मिर्ची डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और मैंने डाला इसमें कढ़ी पत्ता। तो देखिए बहुत ही अच्छी सी कढ़ी बन जाती है, इसमें हमें किसी लहसुन प्याज की ज़रूरत नहीं है, किसी और मसाले की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने फटाफट से पतली सी दही घोली हुई थी उसको फटाफट से, उसमें मैंने 2 चम्मच बेसन डाला हुआ था, जल्दी से मैंने मिक्स करके इसमें डाल दिया, और इसको चलाते रहना है ताकि दही जो हमारी लस्सी है, मठा है, वो फटे नहीं। और इस तरीके से हमारी जो कढ़ी है इसमें हम मसाले डालेंगे स्वाद अनुसार, और जल्दी से हमारी जो कढ़ी है वो एक धीमी गैस पे हम पकानी है 1/2 घंटे के करीब, और बहुत ही स्वादिष्ट हमारी जो कढ़ी है वो बन के तैयार हो जाती है। जब आप कभी बीमार हो ना तो इस तरीके की कढ़ी ज़रूर बनाएं। और बाद में मैंने इसमें जब अच्छी तरह ये उबल गई तो इसमें मैंने मिला दी पकौड़ी, जो मैंने बेसन की पकौड़ी उतारी थी वही मैंने इसमें मिला दी, तो बहुत ही पकौड़ी तैयार थी, साथ ही साथ मेरे चावल भी बन गए थे। तो अब मैं परोस देती हूँ बेटे के लिए फटाफट से, और अपने आप के लिए भी, क्योंकि अब मेरा फास्ट तो है नहीं। तो जल्दी जल्दी से मैंने बना लिए थे कढ़ी चावल, मुझे लग रहा था बस किसी तरह मेरे जो खांसी जुकाम है वो ठीक हो जाए, क्योंकि खांसी मुझे बहुत बुरी हो रही थी। तो फटाफट से कढ़ी और चावल तैयार हो गए थे। तो चलिए आप भी कर लीजिए हमारे साथ लंच। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पापा मम्मी रहते हैं बहुत ही पास में, मेरे घर से 10-15 मिनट का ही रास्ता है, तो हम चले गए पापा मम्मी जी के यहाँ, क्योंकि पापा जी की तबीयत थोड़े दिनों से बहुत डाउन चल रही है। उनको कभी बुखार चढ़ जाता है, कभी उनको मतलब वो बिल्कुल भी मतलब ठीक नहीं लग रहे हैं, बिल्कुल उनके अंदर एकदम कमज़ोरी सी आ गई है। तो मुझे जाना था, हम गए पापा जी के पास, और मुझे लग रहा था मैं जल्दी से जाऊं और मम्मी से बातें करूं, पापा जी को देखूं, तो हम आ गए थे पापा जी के पास। दोस्तों अचानक से पापा जी की तबीयत, मतलब मेरे पापा बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते थे, अचानक से पता नहीं उन्हें नज़र लग गई, पता नहीं क्या हो गया, किस तरीके से मतलब एकदम वो बीमार पड़ गए बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा कि वो जैसे चल रहे थे तो उनकी सांस फूल रही थी, और उनको देख देख के तो मेरी भी सांस दम निकले जा रहा था मेरा, क्योंकि मैंने पापा जी को कभी ऐसे देखा नहीं था, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्टिव रहे हैं हमेशा।
और मम्मी को भी यही टेंशन हो रही थी कि कहीं पापा जी की रिपोर्ट्स में कुछ गलत ना निकले। तो हमको हम पापा जी को लेके बहुत टेंशन में थे, क्योंकि पापा जी की हेल्थ कभी इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं हुई थी, बहुत ही ज़्यादा वो मतलब वो कर रहे थे। तो पापा जी और बेटे तो चले गए हॉस्पिटल, और फिर उसके बाद मैं और मम्मी जा रहे हैं। साथ ही में मंदिर है, उसमें मम्मी ने कीर्तन बोला था कि अगर मतलब थोड़ा सा जैसे नवरात्रे चल रहे हैं कि नवरात्रों में कीर्तन कराएंगे। तो फटाफट से मैं और मम्मी गए मंदिर में। तो पापा जी दवाई लेकर आ गए थे और अब थोड़े से बेटर फील कर रहे थे, लेकिन जैसा कि हमारे पेरेंट्स ही हमारे पिलर होते हैं, अगर इन्हें कुछ हो जाए तो हमारी बिना कहे जान निकल जाती है सच में। और मम्मी यहाँ रेडी हो रही हैं और मैं भी मम्मी के साथ साथ मैं भी तैयार हो गई, और मैंने अपनी और मम्मी की दो चार सेल्फी खींची, और उसके बाद हम लोग चल दिए। मैं और मम्मी जा रहे हैं कीर्तन के लिए। हम मम्मी ने कीर्तन करवाया है क्योंकि पास ही में मंदिर है, सबने मिलकर कीर्तन करवाया। तो चलिए दोस्तों, वैसे तो मेरी मम्मी बहुत बीमार थी, उनका भी ऑपरेशन हुआ था, लेकिन पापा जी की हेल्थ को देख के वो इतनी ज़्यादा घबरा गई कि वो अपनी बीमारी भूल गई, और उन्होंने बोल दिया कीर्तन की, भाई अगर पापा जी की रिपोर्ट ठीक आ जाएंगी तो मैं कीर्तन कराऊँगी। तो मैं और मम्मी जा रहे हैं अब कीर्तन में, क्योंकि मंदिर में मंडली होती है, मंदिर में ही सब कुछ होता है, तो वहीं पे मम्मी ने कीर्तन करवाया था। तो चलिए चलते हैं, करते हैं ज्वाइन। तो मम्मी की सहेलियों के आ रहे थे बार बार फ़ोन कि भाई कीर्तन स्टार्ट हो गया है, जल्दी से आप लोग आ जाइए। और मम्मी को फिर मैं और मम्मी जा रहे थे कीर्तन में, और पहले ही सारी तैयारियाँ हो चुकी थी, पंडित जी ने सब कुछ तैयार करवा दिया था। मंदिर में है बहुत सारी मतलब मम्मी की फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं वहाँ पर जाकर सबसे। तो दोस्तों, मम्मी के यहाँ ये जो पार्क है ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और वो देखिए ऊपर पापा जी बातें कर रहे हैं। मुझे तो इतना ज़्यादा पसंद है इनके यहाँ ये पार्क, क्योंकि इस पार्क में ही जब सारी औरतें बातें करती हैं, बैठती हैं, और यहीं पर मंदिर बना है तो कीर्तन वगैरह भी यहीं पर हो जाता है। अगर किसी को कीर्तन करवाना है, अपना पर्सनली भी कराना है, तो यहाँ पे पर्सनली भी मंदिर में करा सकते हैं, उसमें एसी वगैरह सब कुछ लगे हुए हैं। तो मंदिर में और मतलब पार्क इतना ज़्यादा बड़ा है, इतनी अच्छी ग्रीनरी, इतनी साफ़ सफाई है यहाँ पर, ये मुझे पार्क तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसमें बच्चों को खेलने के लिए बहुत प्यारे प्यारे से झूले लगे हैं, तो यहाँ पर आके लगता है बहुत ही अच्छा। और बहुत धूप हो रही है और बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, और मैं और मम्मी जा रहे हैं कीर्तन में, क्योंकि मम्मी ने ही कीर्तन करवाया है। और मम्मी तो बहुत मतलब चिंता के मारे मरी जा रही थी कि भाई बस ठीक हो जाए पापा जी किस तरह। तो मैं और मम्मी जा रहे हैं कीर्तन में, चलिए आपको मिलवाते हैं, दिखाते हैं किस तरीके का हमारे यहाँ का मंदिर, और किस तरीके से सब लोग मम्मी जी की जो फ्रेंड्स हैं वो मिलती हैं। ये देखिए कितना बड़ा सा तुलसी का पौधा है मंदिर के बाहर, और ये मंदिर बहुत ही प्यारा सा, बहुत सुंदर सा मंदिर बना हुआ है। इसमें बाहर भी शिवलिंग वगैरह हैं, और मतलब शिवलिंग वगैरह भी हैं, और नवग्रह होते हैं जब वो हैं। तो बहुत अच्छा सा मंदिर है, बहुत छोटा सा लेकिन बहुत ही प्यारा सा मंदिर है, जिसमें आके बहुत शांति मिलती है सभी को। तो दोस्तों, कभी कभी तबीयत ठीक नहीं होती तो मन उड़ा उड़ा सा रहता है, ना किसी पाठ पूजा में मन लगता है, ना किसी चीज़ में मन लगता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हाल था। एक तो मुझे पापा जी की चिंता लगी हुई थी कि पापा जी बहुत बीमार हैं, वो कैसे ठीक होंगे, और दूसरी मेरी खुद की तबीयत ख़राब थी। तो मैं तो वही आ गई थी लौट कर अपने घर, क्योंकि वहाँ पर मुझसे बैठा ही नहीं जा रहा था, सभी लोग अपने अपने में लगे हुए थे। तो मुझे ये लग रहा था कि मैं तो घर जाऊँ, और घर जाकर मैं आराम से जाकर सोऊँगी।
और उसके बाद हम भी लौटे घर को, क्योंकि शाम हो चुकी थी और मैंने भी घर में अखंड ज्योत जला रखी थी। और आने के बाद जैसे हमने देखा रास्ते में, देखिए कितने मच्छर मारने की दवाई स्प्रे हो रही थी, पूरा धुआं धुआं हुआ पड़ा है। और यहाँ पर देखिए हमारी सोसाइटी में आते ही कितनी रौनक हो रही है, दुर्गा माता जी की मतलब वेलकम की तैयारी करी जा रही थी। दुर्गा माता जी की मूर्तियाँ लाई जाती हैं, हर साल लाई जाती हैं हमारी सोसाइटी में, तो पेड़ों पर भी कितनी अच्छी सी लाइटनिंग वगैरह करी गई है। चारों तरफ बहुत ही मतलब रौनक है सोसाइटी में, पूरी रौनक, पूरी सोसाइटी में बहुत अच्छी सी रौनक लगी हुई है। पेड़ पौधों पे लाइटें हैं, हर जगह लाइट ही लाइटें हैं, तो आकर एकदम बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत चहल पहल सी हो रही थी हमारी सोसाइटी के अंदर। तो दुर्गा माता जी आज रात को ही आनी है, तो उनके आने से पहले ही इतनी मतलब तैयारी कर दी गई है, पूरी साफ़ सफाई, पूरी लाइटनिंग वगैरह, पूरी तरफ हर तरफ चहल पहल, और थोड़े से झूले वगैरह भी लगे हुए हैं चारों तरफ, मतलब बहुत ही अच्छा सा माहौल हो गया है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। तो दोस्तों देखिए मेरे हार श्रृंगार पे सुबह सुबह कितने सारे फूल गिरे होते हैं, तो मैं थोड़ी सी प्लेट में रख लेती हूँ, बहुत अच्छी खुशबू आती है इनमें से, परफ्यूम जैसी। और ये देखिए ये दुर्गा माता जी हमारे सोसाइटी में आ चुकी हैं, और इस तरीके से ये कल शाम रात को आई थी, और उससे पहले यहाँ पे पार्क में भी पूजा की जाती है, तो पूरी विधि विधान के साथ दुर्गा माता जी की पूजा की जाती है। देखिए किस तरीके से पूजा की जाती है, देख रहे हैं आप, ये पूरा पार्क में पहले अलग से पूजा की जाती है। जब दुर्गा माता जी को यहाँ पे रखा जाता है तो इनके जो फेस होता है वो कवर होता है, और इनको शाम को ये मुँह से कपड़ा हटाएँगे तब इनका मुँह दिखाएंगे, और अच्छी तरीके से पूजा होती है। बहुत सारे फल चढ़ाए जाते हैं, फूल चढ़ाए जाते हैं, जितने भी फल हैं कमल के फूल बहुत सारे चढ़ाए जाते हैं। तो पूरी मैं बातें आपके साथ शेयर करूंगी नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग्स में। अगर मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। तो दोस्तों देखिए मेरे यहाँ लगा ये फूल का पौधा, इस पर कितने प्यारे फूल हैं पीले कलर के,